स्पॉन्सर्ड बाय RS एकेडमी, एड्रेस टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश में अब बारिश से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अब चक्रवात बांग्लादेश की ओर शिफ्ट हो गया है, जिससे भारी बारिश से राहत मिल सकती है। हालांकि रीवा और जबलपुर संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान जो चक्रवात दक्षिणी बिहार की ओर सक्रिय था, अब वह कमजोर होकर पूर्व की ओर बढ़ गया है और बांग्लादेश के आसपास सक्रिय है। अब इसका असर मध्य प्रदेश के ऊपर कुछ खास नहीं है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक जबलपुर और रीवा संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ आज भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान रीवा और बालाघाट में भारी वर्षा दर्ज की गई है। बालाघाट, सीधी, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, कटनी, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, सागर, दमोह, उमरिया और भिंड जिलों में मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में बारिश की गतिविधियां घट जाएंगी, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा, बादल छटने लगेंगे और धूप निकलने के साथ ही दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नगरीय नाले में इस तरह का पानी भरा हुआ है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी है, ये ट्रांसफार्मर लगा है, लोग आ जा रहे हैं, बराबर पानी भरा हुआ है, पानी निकलने का कहीं जगह नहीं है। कोई भी घटना किसी भी वक्त यहाँ हो सकती है। स्पॉन्सर्ड बाय RS एकेडमी, एड्रेस टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा।